नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। पहले PDF के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का रिविजन करें। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। जी हाँ, मलेर जो है वह किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति का। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। किस काल में लावा निस्सरण से जो है राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जुरासिक काल। जी हाँ, किस काल में? झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक आपको जरूर लेना चाहिए। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ 2000 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन 15 प्रैक्टिस सेट का तैयारी करते हैं तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुरासिक काल में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या तीसरा, उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धो भगत, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या चार, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? तो 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या पांचवा, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए मूल्य पर भोजन मुहैया कराया जाता है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 रुपया, है ना, प्रति प्लेट जो है कितना रुपया? 5 रुपया पर जो है ना भोजन मुहैया कराया जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या छः, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? जी हाँ, तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या सातवा, भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 32 जनजाति को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या आठवा, हो जनजातीय व्यवस्था में मुंडा के सहायक का क्या नाम है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा डाकुआ। आपको हम बतला देना चाहते हैं, हो जनजातीय व्यवस्था में जो है गांव का प्रधान मुंडा होता है, जबकि मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या नौ, सरायकेला रियासत के राजाओं ने किस नृत्य को संरक्षण दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा छऊ, छऊ नृत्य को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या दस, भूमि और धरती के जनजातीय देवता को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो है भूफोर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11, झारखंड राज्य की देश के रसोई कोयला उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो हिस्सेदारी कितना है? तो हिस्सेदारी है 90%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, किस जनजाति में महिलाएं सब का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती है? किस जनजाति में? तो करमाली जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2003 में। प्रश्न संख्या 14, ओलचिकी लिपि का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530-40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी है ना? तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1963 में, 16 सितंबर 1963 को हुआ था सैनिक स्कूल तिलैया का स्थापना। प्रश्न संख्या 17, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रश्न संख्या 19, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है ना? तो कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, झारखंड में रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र का नाम क्या था है ना? तो क्षेत्र का नाम क्या था? पलामू, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है ना? तो वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 में दामिने कोह में परिवर्तित कर दिया था है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है ना? तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 2003 में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 एकड़, जबकि अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, पारसनाथ पहाड़ी
किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी घाटी के किनारे जो है वो आपका अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दामोदर नदी घाटी के किनारे जो है वो अवस्थित है। तो यह था आज के झारखंड जीके के मॉक टेस्ट का पूरा 25 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। हाँ, अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, अप्लीकेशन पर जो है सारा कोर्स मात्र 21 रुपये में अवेलेबल कर दिया गया है। तो जो लोग अप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं वो तो बढ़िया ही कर रहे हैं, और साथ में एक मैथ ट्रेनिंग का लाइव मॉक टेस्ट बैच जो है, जो शाम में 7:30 से 9 चला करता है, जिसमें 7:30 से 8 आपको क्वेश्चन पेपर बनाने का मौका दिया जाता है। उसके बाद 8 बजे से सारे प्रश्नों का रिवीजन होता है, जिसमें 20 मैथ्स का प्रश्न होता है, 5 रीजनिंग का प्रश्न होता है। वह प्रतिदिन चला करता है, मंडे टू सैटरडे। तो उस मॉक टेस्ट से जरूर जुड़े, उस सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है, और बहुत ही मिनिमम फी में, है ना। तो इसलिए जो लोग जुड़े हैं वो तो बढ़िया ही किए, जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, है ना, स्टूडेंट इलीट, और वहाँ से जो है अपने कोर्स को परचेज करके उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।